हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 में दे रखा है, कॉइन इज अ टॉस टू टाइम, एक कॉइन को दो बार उछाला गया है, प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग बोथ हेड और बोथ टेल। या तो दोनों हेड आने चाहिए या दोनों टेल आने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमें क्वेश्चन में अगर ऐसा बोल दे कि एक कॉइन को दो बार उछाला है या दो कॉइन को एक बार उछाला है, दोनों का मतलब सेम है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो हमें सबसे पहले पता लगाना है कि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या बनते हैं मेरे, टोटल पॉसिबल आउटकम। देखो, दो कॉइन को एक साथ उछालो या एक कॉइन को दो बार उछालो, ऐसा हो सकता है क्या पता दोनों में हेड हेड आ जाए, क्या पता दोनों में टेल आ जाए। पहले वाले में हेड, दूसरे वाले में टेल, पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में हेड आ जाए। तो पॉसिबल आउटकम बनते मेरे चार, ठीक। बट हमसे जो इवेंट पूछा गया वो बोला गया गेटिंग बोथ हेड और बोथ टेल्स, या तो दोनों हेड होने चाहिए दोनों में या दोनों में टेल होने चाहिए। तो ऐसे कितने केस है, सिर्फ दो ही केस है, फेवरेबल हुआ दो। अब इसकी बताने प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम दो, टोटल कितना है फोर, कैंसिल हो रहा, कैंसिल कर दो, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ये मेरी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे कम्प्लीट होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 68, तो पहले मैं उसे नोट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 68 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, बोला गया है अ कॉइन टॉस टू टाइम, एक कॉइन को दो बार उछाला गया सेम पीछे वाले की तरह, प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग नॉट मोर देन वन हेड, कि भाई एक से ज़्यादा हेड नहीं आना चाहिए। एक आ सकता है, जीरो आ सकता है, बट एक से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम निकालेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम, तो वही सेम सीन होगा, क्या पता दोनों में हेड आया हो, क्या पता दोनों में टेल, हेड या टेल, टेल या हेड, कुल मिला के कितने केस बनते हैं चार। हमारा जो इवेंट है वो कहता है कि हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए गेटिंग नॉट मोर देन वन हेड, यानी कि एक से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए। एक हो सकता है, एक हेड है चलेगा, एक हेड है ये भी चलेगा, एक से ज़्यादा ना हो, जीरो है वो भी चलेगा, इसमें तो हेड है ही नहीं तो ये भी चलेगा। कितने केस हुए टोटल, तीन, फेवरेबल मेरा तीन हुआ, ठीक है, फेवरेबल तीन, टोटल कितने हैं फोर, तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी थ्री बाई फोर। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 68 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 69, तो पहले मैं उसे नोट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 69 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, बोला गया है टिकट इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 40, एक बैग है जिसके अंदर टिकटें रखी हुई हैं जिसमें नंबर काउंट किए गए हैं 1 से लेकर 40 तक, प्रोबेबिलिटी बताओ सिलेक्टेड टिकट हैज़ नंबर विच टू बी मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि जो नंबर सेलेक्ट किया जाएगा वो 5 का मल्टीपल होगा, मतलब 5 की टेबल में नंबर आता होगा वो नंबर होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम लिखना हमें, तो काउंटिंग मेरी शुरू हो रही है 1 से 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू चलेगी कहाँ तक, 40 तक, बीच में कोई नंबर मिसिंग नहीं है, तो कुल मिला के नंबर कितने हुए 40। हमारा जो इवेंट है वो बोला क्या गया है मल्टीपल ऑफ 5, वो नंबर जो 5 के मल्टीपल हों। अब 1 से लेकर 40 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये वो नंबर है जो 5 के मल्टीपल होते हैं। काउंट करते हैं कितने बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल मिला के 8 नंबर बनते हैं। तो ये तो हो गया मेरा फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल हो गया ऊपर, टोटल कितने हैं 40, दोनों में 8 का डिवाइड जा रहा है, 8 1 8, 8 5 40, ठीक है। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 69 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 70, तो पहले मैं उसे नोट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 70 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, बोला गया है टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, दो अलग अलग डाइस जिनको एक साथ उछाला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 7, यानी दोनों डाइस में जो भी नंबर आएंगे उनको ऐड करने पे 7 ही आना चाहिए, वो हम उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो, दो डाइस को उछालने पे टोटल पॉसिबल आउटकम क्या बनते हैं, वो ये होते हैं, ठीक। मान लो पहले डाइस में 1 आया, दूसरे में 1,
पहले वाले में टू, दूसरे वाले में वन, पहले वाले में थ्री, दूसरे वाले में वन, इस तरीके से कई सारे केस बनते हैं, तो जिनकी अगर काउंटिंग की जाए तो 36 केस बनाते हैं। क्या पता पहले वाले में फाइव दूसरे वाले में सिक्स आ रहा हो, पहले वाले में थ्री दूसरे वाले में सिक्स आ रहा हो, कई केसेस बनते हैं इस तरीके से। तो टोटल मेरे पॉसिबल आउटकम जो होंगे वो कितने होंगे, 36 होंगे टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है, ये मेरे कितने हो जाएंगे 36। अब हमें जो पूछा गया है इवेंट में, बोला गया है सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए 7 दोनों डाइस के अंदर जो अवेलेबल होगा। तो ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिनका सम कितना आता है, 7 आता है। देखो 6-1 7 हो रहा है, 5-2 7, 4-3 7, 3-4 7, 2-5 7, 1-6 7, सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, अभी 6-1 5-2 4, ठीक है 5-2 4-3 3-4 2-5 एंड 1-6, तो कुल मिला कितने आउटकम बनते मेरे, 1-2-3-4-5-6 6 बनते हैं। तो मेरा फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, 6, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हुए मेरे, 36। दोनों में 6 खड़ी बैठ जा रहा है, 6-1 = 6, 6-6 = 36, तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।